हेलो गाइस, आज मेरे पास एक वीडियो कॉन का 32 इंची एलईडी टीवी आया है। इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, टीवी की वॉल्यूम फुल है और इसमें मैंने अलग से स्पीकर भी लगा लिए हैं कि डाउट में हो सकता है स्पीकर ख़राब हो। ये स्पीकर भी सही हैं लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रही है, तो इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये मैंने सेट को खोल लिया है और ये इसकी साउंड आईसी है। नंबर दिखा देता हूँ आपको, TPA3110LD2। इसमें मैं इसके आईसी के वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ कि इसकी फर्स्ट पिन है, इस पे 10-11 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं और ये भी इस पे भी 10-11 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं, और इसके साथ वाली इसकी तीसरी नंबर पे साउंड की है। इस पे टच करने से साउंड आना चाहिए, इससे कोई साउंड नहीं आ रहा। और इधर से भी दो पिन छोड़ के तीसरी चौथी साउंड की है, साउंड इनपुट की। इस पे टच करने से कोई साउंड नहीं आ रहा। मैंने आसपास के कंपोनेंट और रेजिस्टेंस भी चेक करे, ये वाले ओके हैं। तो मैं आगे और चेक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फॉल्ट मिला मुझे। तो आगे चेक करने के बाद मैंने इस पिन के वोल्टेज को ट्रेस करा, इस पे 12 वोल्टेज होने चाहिए, जो कि ये यहाँ से प्रिंट होते होते इधर, फिर इधर से होते होते इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है। और इसकी वैल्यू मैंने डेटा शीट में चेक करी है तो 1K आ रही है, तो ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद में ये पिन यहाँ से होते होते इस पे आ रही है, इस पे 10K या तो 100K का रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए। तो इसको मैंने चेक करा, ये ओपन है, इसमें यहाँ पर 10K का रेजिस्टेंस होना चाहिए था, तो इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है, जिसके कारण ये आईसी की वोल्टेज इसको प्रॉपर नहीं मिल रही है और ये आईसी काम नहीं कर रही है, जिस वजह से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। मैं इसकी आपको क्लियर इमेज दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस का नंबर है R824, इसका पोजीशन नंबर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे टच करने पे अगर इसको मैं शॉर्ट करता हूँ हमारा साउंड आ जाता है। ये देखिए, आपको साउंड आ रहा होगा, ये हटा दिया, साउंड चला गया। ये मैं फिर शॉर्ट करता हूँ और ये छोड़ देने पे साउंड चला गया। तो मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज करके दूसरी रेजिस्टेंस 10K की लगा देता हूँ। मेरे पास एक ये ख़राब सर्किट पड़ा हुआ है, सेम आईसी का ही 3110 IC इसमें लगी हुई है, तो इसमें से मैं 10K की रेजिस्टेंस लगा के इसके अंदर, ये वाली रेजिस्टेंस ठीक है इसके अंदर, जिसमें नंबर मिट गया है, ये रेजिस्टेंस इधर से निकाल के इसमें यहाँ पे लगाता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ हमारा सेट ओके हुआ कि नहीं। ये मैंने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं ये पुरानी रेजिस्टेंस है, और इसमें जो मैंने दूसरे लगा दिए, आप ये देख सकते हैं मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे चेंज कर दिया है। मैं ये सेट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। क्या हो गया, साउंड अभी भी नहीं आई। तो मैं यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने 10K की रेजिस्टेंस लगाई थी, उसके बाद में मेरा साउंड नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें जम्पर मारने वाला था, पर जम्पर मारने से बेहतर मैंने इसके अंदर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको चला कर देखता हूँ अब साउंड आता है या नहीं आता है। तो रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद में मेरा साउंड आ गया, आप देख सकते हैं स्पीकर चल रहे हैं, रोज ये चाय हम दोनों साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो इसमें एक कप तुम्हारा
और मेरी पिक्चर भी ओके है, ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आप भी अपने एलईडी टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। ऑडियो जंगल।